दोस्तों आपको तो पता ही है कि इन दिनों बॉलीवुड के मीडिया में बस एक ही बात छाई है कि भाई बॉलीवुड में कितना नेपोटिज्म है और कितना ग्रुपिज्म है। यानी कि भैया इस मुद्दे को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर कई लोग मुखर होकर अपनी बातें रखते नजर आ रहे हैं और भाई उसके साथ ये दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि भैया इस बार बॉलीवुड से नेपोटिज्म और ग्रुपिज्म को उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। यानी कि भैया जितने भी बड़े सितारों की फिल्में हैं उनका बहिष्कार होगा, जो स्टार किड्स हैं उनको अब प्रधानता नहीं मिलेगी और अब छोटे कलाकार को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों इससे जुड़ी हुई कई सारी खबरें आप लोगों ने आज सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि भाई एक आउटसाइडर की आने वाली एक नई फिल्म का एक नया गाना आज लॉन्च किया गया यूट्यूब पर? क्योंकि भैया मैंने कई सारे YouTube चैनलों को देखा, उस पर इस गाने का जिक्र तक नहीं किया गया है। यानी कि भैया जितने भी बॉलीवुड की खबरें देने वाली YouTube चैनल है उस पर इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि भाई आज एक आउटसाइडर की आने वाली फिल्म का नया गाना लॉन्च किया गया है, जिसकी फिल्म को हम लोग देख सकते हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर भाई 14 अगस्त को। तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और ये गाना कौन सा है, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक जबरदस्त सॉन्ग का रिएक्शन, जो कि जुड़े भैया बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्शन हीरो, यानी कि भैया बॉलीवुड के इस जमाने के जबरदस्त एक्शन हीरो विद्युत जामवाल की आने वाली फिल्म यानी कि खुदा हाफिज से। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि खुदा हाफिज का रिलीज डेट हम लोगों के सामने आ चुका है और उसके साथ भैया आज इस फिल्म का नया गाना यानी कि भैया जान बन गए ये गाना भी आज लॉन्च कर दिया गया यूट्यूब पर। तो भाई इस गाने को मैंने देखा और उसके साथ मुझे इस बात को लेकर सबसे ज्यादा दुख हुई कि भैया इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ही बात की चर्चा हो रही है कि भैया बॉलीवुड में कितना ग्रुपिज्म है, बॉलीवुड में कितना पक्षपात है, बॉलीवुड में कितना नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में किस तरीके से आउटसाइडर की फिल्मों को नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन भाई आज आपको मैं बताऊं, जमीनी हकीकत यह है कि भैया सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले ये नेपोटिज्म के विरोधी आज इस फिल्म को लेकर कोई चर्चा करते नजर नहीं आ रहे हैं। यानी कि भैया किसी भी एक यूट्यूबर ने इस फिल्म की जानकारी ना तो भैया इस गाने की जानकारी किसी को शेयर की है। तो दोस्तों विद्युत जामवाल का ये सॉन्ग बहुत ही बेहतरीन है जो कि भैया यूट्यूब पर आ चुका है और दोस्तों आपको बता दूं कि इस गाने को लॉन्च हुए लगभग 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और भाई 8-9 घंटों में इस गाने को अब तक कितने लोगों ने देखा है भाई, आप इमेजिन करो। जब मैं ये न्यूज बना रहा हूं तो इस गाने को अब तक 7,50,158 लोगों ने देखा है और भाई लगभग 83,000 लोगों ने इस गाने को लाइक किया है और 710 लोगों ने इस गाने को डिसलाइक किया है। यानी कि भैया इन दिनों जिस तरीके से सोशल मीडिया पर यह हम लोग खबरें देखते आ रहे हैं कि भैया इस बार बॉलीवुड से पूरी तरीके से नेपोटिज्म को खत्म कर दिया जाएगा, तो क्या इस तरीके से नेपोटिज्म को खत्म किया जाएगा? यानी कि भैया एक टैलेंटेड एक्टर बहुत ही मेहनत करते हुए अपनी फिल्म को बनाकर हम लोगों के सामने आ रहा है। एक फिल्म को तो हम लोगों ने बहुत प्यार दिया है, यानी कि भैया दिल बेचारा को कितना प्यार मिला और भाई सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए कितनी लोग अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने भी विद्युत जामवाल के आने वाली इस फिल्म के गाने के लिए कोई चर्चा की? आप सोच कर बताइएगा, क्योंकि भैया ये बातें मुझे थोड़ी सी खलती और थोड़ी सी चुभ रही है। यानी कि भैया जितने भी बातें हम लोग इन दिनों डंके की चोक पर सुनते नजर आ रहे हैं कि भैया इस बार नेपोटिज्म खत्म होगा तो खाक खत्म होगा, छोड़ो यार इन सभी बातों को दरकिनार करते हैं और आपको मैं बताता हूं कि इस गाने को गाया किसने है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि इस गाने का म्यूजिक जो है वो कंपोज और अरेंज किया है मिथुन ने और भाई इस गाने को गाया है मिथुन, विशाल मिश्रा और आशीष कौर। तो दोस्तों वाकई में गाना बहुत ही बेहतरीन है और भाई इस गाने को देखोगे तो आप थोड़े से रूहानी हो जाओगे, थोड़े से रोमांटिक हो जाओगे। क्या जबरदस्त सॉन्ग है बॉस और बहुत ही प्यारा सीक्वेंस शूट किया गया इस गाने में, यानी कि भैया प्यार परवान चढ़ रहा है विद्युत जामवाल का। तो दोस्तों नो डाउट ये गाना बहुत ही बेहतरीन है और भाई बुरा मत मानिएगा लेकिन सच्चाई किसी को हजम नहीं होती, क्योंकि भैया इन दिनों बॉलीवुड में नेपोटिज्म के खिलाफ भैया झंडा बुलंद हो रहा है और भाई ये कैसा नेपोटिज्म, एक तरफ भैया हम लोग बोल रहे हैं कि भैया जो आउटसाइडर हैं उनकी हम मदद करेंगे और दूसरी तरफ जब कोई आउटसाइडर के फिल्म का कुछ भी नया अपडेट आ रहा है तो उसकी जानकारी कोई भी एक दूसरे से शेयर करता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन भाई मैं तो अपनी आवाज बुलंद करता रहूंगा, लोग मुझे चाहे कुछ भी कहे, क्योंकि भैया मेरी बातों को सुनकर कुछ लोगों को काफी गुस्सा आ रहा और वो मुझे बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पर, यानी कि भैया मेरे यूट्यूब चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे लोग पर्सनली मेल करके बातें कर रहे हैं कि भाई आप किसके साइड में हैं।
तो भैया अगर आप लोग बोल रहे हो कि भैया आप लोग नेपोटिज्म के विरोधी हो, तो भाई मैं आप लोगों का विरोधी हूं, क्योंकि भैया आप लोग जिस तरीके से नेपोटिज्म का विरोध कर रहे हैं उससे किसी आउटसाइडर का फायदा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। और अगर आप लोगों को मेरी बात इतनी चुभती है तो भाई आप लोगों से एक सवाल है कि भाई कितने घंटे हो चुके हैं जान बन गए हो को भैया लॉन्च हुए यूट्यूब पर, और भाई अब तक कितने लोगों ने इस गाने को सुना है और कितने लोग इस गाने के बारे में जान रहे हैं, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।